हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल आईआरपी टेक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी की तरफ ले चलते हैं आपको। एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, उन्होंने फेस 9 के लिए सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे निकाला है। 3600 प्लस पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपको फर्स्ट एग्जाम ही देना है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जॉब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे 24 सितंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 अक्टूबर तक यहाँ पे एप्लीकेशन लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका वेबसाइट बहुत ही स्लो चलता है, तो आप लोग को यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि फेस 9 होता क्या है। जैसे कि दोस्तों, जो भी विभाग होते हैं एसएससी की तरफ से, वो विभागों में जो 1 2 3 4 ऐसे करके पोस्ट खाली होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वो सारा पोस्ट मिला के एक वैकेंसी निकाली जाती है डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। तो वो उसको फेस 9 नाम दिया जाता है। जैसे कि पहले फेस 1, फेस 2, फेस 8 तक निकल चुका है ये, तो ये फेस 9 है। फिर इसके बाद जो अगर निकलेगा तो उसको फेस 10 नाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही है। उसके बाद यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे थोड़ा, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे 85 पेज नंबर में। यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल्स आपको पूरा टोटल यहाँ पे दिखेंगी, कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे खाली है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर पहले आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा, उसके बाद उसका नाम जो भी है पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्टेट है, और ये एज रहेगा कि एज कितने कितने से कितने बीच में है वो एज आप देख लेंगे। यहाँ पे लेवल ये जो है पे स्किल है, जो पेमेंट आती है सैलरी, वो लेवल है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आप कौन से यहाँ पे कौन ये पोस्ट के में कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, SC ST OBC, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये पोस्ट कौन से कैटेगरी में है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको टोटल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पहले इसको आपको देख लेना है टोटल, उसके बाद ही आप वहाँ पे फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको मांगा जाएगा, यहाँ पे कोड मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप पहले देख लेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे भर पाएंगे आप। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे प्रिंट करना है, आपको सारी चीज इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको SSC का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके भी आ सकते हैं। और जो नोटिस है ऑफिशियल नोटिस, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसका इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, या फिर यहां से भी आप कर सकते हैं। आप देखने को ये SSC सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट में, यहां पे आपको साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप न्यू है, अगर आपने पहले से पहले SSC का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पे नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 स्टेप में किया जाता है। पहला बेसिक डिटेल, दूसरा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, और तीसरा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको डालनी होती है। ये एक ही बार डालनी होती है दोस्तों। उसके बाद आपको जितना भी SSC में फॉर्म भरेंगे आपको ये सब डालनी नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम ये तो आपको बताने वाले नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है। अब आधार नंबर फिर से वेरीफाई करना है, टाइप ऑफ आईडी डालना है, आईडी नंबर डालना है, आप आधार ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई नाम, आपको जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है, फिलअप करना है। ये मतलब बेसिक डिटेल्स है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मेट्रिकुलेशन यहाँ पूछा जाएगा, मेट्रिकुलेशन डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है, रोल नंबर को वेरीफाई कर लेना है, पासिंग ईयर डालना है, जब कब आप मेट्रिक पास किए थे वो डाल देना है, जेंडर डाल देना है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है कि आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना है, उसके बाद सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डाला मांगा जाएगा, वहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद फोटो सिग्नेचर डाल के सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड, आपके मेल और मोबाइल नंबर दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम जो है पासवर्ड आपको चेंज करना होगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट पासवर्ड आपको देंगे
मेल आईडी और मोबाइल नंबर में, तो वो पासवर्ड यहाँ पे जैसे खोलेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने बोलेगा। पासवर्ड आप चेंज कर लेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे करना वो तो हम बता रहे हैं। और अगर किसी को यूजर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गए हैं, पासवर्ड भी भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है, मेल भी नहीं मिल रहा है, मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन है फॉरगोट पासवर्ड। आपको इस फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, ये दोनों में से कोई भी तो एक आपके पास होगा ही या फिर याद ही होगा, तो वो दोनों में से कोई भी एक डाल के अगर सबमिट करेंगे आप, तो आपके ईमेल और मोबाइल दोनों में एक ही आप डालेंगे लेकिन आपको दोनों में सेंड कर दिया जाएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो। और पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना होगा, ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड बना लेंगे। आपको दोनों चीज यहाँ पे मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी कौन सा डाले थे वो भी आपको दिख जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिख जाएगा। पासवर्ड आप खुद से बना लेंगे। उसके बाद एक बार आप पासवर्ड बना लेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से, और यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिखेगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पे सेम सेम फिलअप करना है। स्मॉल और कैपिटल आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल कैपिटल देख के यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में यहाँ पे नाम दिखेगा और यहाँ पे आपको जितने भी पोस्ट से यहाँ पे वैकेंसी आती है वो पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब ये सारा पोस्ट आ चुका है और ये खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेमेंट एप्लीकेशन ये सब सारा चीज आपका रिकॉर्ड दिखता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा फेस 9, और यहाँ पे अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चलान, पेमेंट, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आप फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये जो फिलअप किया हुआ दिख रहा है और यहाँ पे फिलअप किया ब्लॉक किया हुआ है कि आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, तो ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन का आया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल फिलअप करनी है, वो डिटेल्स यहाँ पे सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सब आपको फिर से फिलअप नहीं करनी है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको 15 नंबर में देखने को मिलेगा रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो किस रीजन में आता है, किस रीजन में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, आप वहाँ से देख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन किस में आता है, ईस्टर्न रीजन किस में आता है। दोस्तों सेंट्रल रीजन में बिहार और यूपी वगैरह आता है, ईस्टर्न रीजन में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, ये सब आता है। तो आप ये गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं और नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा झारखंड है तो मैं यहाँ पे ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें मेरा झारखंड आ जाता है। उसके बाद 16 नंबर में आपको पोस्ट कोड आएगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे नोटिफिकेशन में कि आपको यहाँ पे कोड देख लेना है कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैं ये मल्टीटास्किंग स्टाफ इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे SC का 63 है, ST 20 और OBC 96 और जनरल का 182 है, तो इसमें ज्यादा पोस्ट दिख रहा है दोस्तों, इसलिए मैं यही डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में कोड आपको दिख रहा होगा ER10321, तो आपको यही कोड यहाँ पे ढूंढना है पोस्ट कोड में। 16 नंबर में पोस्ट कोड है 10321, यहाँ पे आपको ढूंढना है और वही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 10321 यहाँ पे दिख गया है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और लेवल ऑफ पोस्ट भी आ जाएगा मेट्रिकुलेशन। तो आप मेट्रिकुलेशन किए हुए होंगे तो आपका ये पोस्ट एलिजिबल है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर, 3 सेंटर यहाँ पे चूज करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। आप यहाँ पे 3 सेंटर चूज करेंगे, पहला सबसे ज्यादा पहला 90% चांस रहता है पहला यहाँ पे जो सेंटर रहता है, इसलिए आप जो चाहते हैं कि अब मेरा हमको यही सेंटर मिले तो सबसे पहले वो सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको दूसरा चूज करना है कि जो कि आपको हो सकता है कि ना मिले, तो वो चूज करना है आपको। तो यहाँ पे आप अपना सेंटर चूज कर लेंगे जो भी आपके नजदीक हो या फिर जो आपको पसंद है वो सेंटर यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा सेंटर। यहाँ पे आपको 3 सेंटर यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर में पूछा जाएगा, 20.1 में, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, ये सब आपका ब्लॉक रहेगा, ये सब आपको फिल नहीं करना है। आपको सीधे यहाँ पे 23 नंबर में आ जाना है। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, इसमें आपको स्किल टेस्ट आप कौन समय देना है, आपको हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका प्रीफर लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलेक्शन मिलता है। अगर आपका जैसे कि जनरल है तो नहीं मिलेगा, OBC, SC, ST इस सबको मिला जाता है, मिलता है। तो आप अगर जनरल से हैं तो नो कर देंगे, नहीं तो यस करके यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं नो कर देता हूँ।
बाद यहाँ पे 25 नंबर में आपको यहाँ पे एसएनटीएल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आएगा यहाँ पे, जो दोस्तों वहाँ पे आपने ऊपर पोस्ट सिलेक्ट किया उस हिसाब से, तो यहाँ पे आप उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में आप मेट्रिकुलेशन आएगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाद यहाँ 25A में पूछा जा रहा है इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मेरा यहाँ पे ग्रेजुएशन है, तो मैं ग्रेजुएशन यहाँ पे डाल देता हूँ। बाद यहाँ आगे बढ़ जाना, आपको यहाँ पे 26 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जो आपने पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस रहता है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक। बाद यहाँ पे आप फोटो एंड सिग्नेचर देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे फोटो आपका 23 जून 2021 के बाद का होना चाहिए दोस्तों, करंट यहाँ पे मांगा जाता है। तो चलिए मैं आप फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो डालने के लिए आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद फाइल में आप जहाँ भी आप अपने रखा था वो फाइल आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फोटो दे लेंगे। फोटो डालने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको आई एग्री पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे आपको सेम सेम फिलअप करनी है और यहाँ पे प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो जो फिलअप किया है वो सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार यहाँ पे एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं, और आपको सब सही लग रहा है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे, यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो प्रोविजनल एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड हो गया। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे SC ST OBC और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे फी नहीं लग रहा है, जीरो है। और अगर आप जनरल जनरल से आते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का जनरल OBC यहाँ पे आपको 100 रुपये का फी पेमेंट करना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पे जीरो है, OBC और जनरल के यहाँ पे आपको 100 रुपया फी पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, तो आप पेमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप जिस पे करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए आप उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है आपको, ऑनलाइन पे टिक करके। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन आएगा, कोई भी ऑप्शन से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं एक ऑप्शन से पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको हो सकता है कि नेटवर्क के इश्यूज की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आईडी अपना डाल के और पासवर्ड डाल के यहाँ पे फिर से आपको लॉग इन करना है। फिर से आपको लॉग इन पे यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपको पेमेंट यहाँ पे स्टेटस में आपको देख लेना है, आपने पेमेंट किया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेमेंट 100 रुपये यहाँ पे सक्सेस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट रिसीप्ट भी यहाँ निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म पे जो भी आपने अप्लाई किया वो आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस पोस्ट में आप सिर्फ एक एक बार ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आपको पोस्ट पे अप्लाई करना है वो एक ही बार ही कर सकते हैं, दूसरा तीसरा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।